हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेवनली बॉर्न। आज हम बात करने जा रहे हैं लैक्टेशन के बारे में, या कॉमन टर्म्स में हम कह सकते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे इंक्रीज किया जाए, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। गाइस, जब पोस्ट डिलीवरी मॉम्स अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराने लगती हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, काफ़ी पावर जाता है, तो प्रॉपर अच्छी डाइट होना बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे बच्चे की डिमांड बढ़ती जाती है और ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी बैक टू नॉर्मल आने लगती है। तो ऐसा क्या करें हम जिससे कि ये लैक्टेशन हमारा या ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट हो, बच्चों के लिए ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई डिक्रीज ना हो, बच्चों की भूख पूरी हो पाए, ऐसा क्या करें हम, इस वीडियो में हम ये सब आपको बताने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी गाइडलाइंस, चाहे वो WHO हो या कोई भी बड़ी मेडिकल एसोसिएशन हो, सभी लोग हमेशा ये रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तक बच्चों को कंप्लीट ब्रेस्ट फीड पर ही रखना है। और ब्रेस्ट फीडिंग की सारी इम्पोर्टेंस हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको चेक करिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको उससे। और उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़े होने लगता है, माँ की ब्रेस्ट फीड की सप्लाई कम हो जाती है, बच्चा बड़ा होता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो इसको कैसे प्रॉपर मेंटेन रखें, सिर्फ एक ही तरीका है, आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है। अब उस डाइट में आपको क्या क्या लेना है, चलिए आइए झटपट से जान लेते हैं। उसके पहले गाइस, वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करके सबके साथ शेयर करिएगा ताकि सबको इससे हेल्प मिल सके। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है गाइस कि जो भी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई तो हमने अपनी सारी मेडिसिन को हटा दिया साइड में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पोस्ट प्रेगनेंसी भी आपको जो जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाएँ, जो भी मल्टीविटामिन हो या कैल्शियम सप्लीमेंट्स हो, आयरन सप्लीमेंट्स हो, इन सब को लेते रहना है ताकि आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई है वो प्रॉपर रहे। ऑल्दो हम अच्छी डाइट लेते हैं लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता है, हमें सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ते हैं, तो इस वजह से जो भी प्रेस्क्राइब मेडिसिन हैं उसको टाइम टू टाइम लेते रहिए। सेकंड गाइस, ओट्स। ओट्स एक बहुत ही रिच फूड माना जाता है, काफ़ी रिच मिनरल्स होते हैं, स्पेशली फाइबर बहुत अच्छा होता है और ये लैक्टेशन में काफ़ी हेल्प करता है। मैं आपको बताती हूँ, ब्रेकफास्ट के लिए ये एक परफेक्ट माना जाता है एक तरीका, आप इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। आप इसको मिल्क में ओट्स को पका लीजिए, उसमें अच्छे अच्छे नट्स डाल लीजिए, हनी डाल दीजिए और इसको ले लीजिए, ये एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट भी होगा और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज करने में भी काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट गाइस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वाटर। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, बॉडी को फुल हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई तभी इंक्रीज होगी अगर प्रॉपर वाटर आपके शरीर में है। तो एक गाइडलाइन ये है कि जब भी आप ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग कराने जा रहे हो अपने बच्चों को, तो उसके पहले एटलीस्ट 1 ग्लास आप पानी पी लीजिए, एंड आफ्टर आपने ये फीडिंग ख़त्म कर ली है फिर 1 ग्लास ले लीजिए पानी का। तो इन ऑल आपको दिन भर में कम से कम 5 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। उसके बाद गाइस, हमें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका इंटेक करना है, स्पेशली स्पिनच और मेथी। स्पिनच बहुत रिच होता है आयरन में और मेथी में भी काफ़ी रिच मिनरल्स पाए जाते हैं, तो आप इसको अलग अलग फॉर्म में, कभी सब्जी के फॉर्म में या आप पालक और मेथी के पराठे अलग अलग तरह के ये भी ले सकते हैं। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट है फेन्युग्रीक, यानी कि मेथी, जो खड़ी मेथी के दाने आते हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, और सेसमे सीड्स यानी तिल की सीड्स, ये दोनों ही काफ़ी हेल्प करते हैं। इसमें रिच मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम सब कुछ पाया जाता है, इसलिए काफ़ी ये हेल्प करता है। तिल को इसीलिए काफ़ी सारे, तिल और मेथी दोनों ही लोग, जो हम लोग सठौरे या पंजीरी जिसे कहते हैं, उनमें भी मम्मी लोग डाल के हमें देती हैं ताकि वो हमें
हमें लैक्टेशन इंक्रीज करने में हेल्प करें। नेक्स्ट है गाइस कि प्रोटीन इनटेक हमें बढ़ाना है, जिसके लिए हमें अलग अलग तरह की दाल, दाल स्पेशली बहुत ज़रूरी होती है, और उसके बाद हमें पनीर लेना है। सारे डेयरी प्रोडक्ट्स इनटेक करिए आप, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर बात की जाए नट्स की, तो सारे ही तरह के नट्स हम आराम से खा सकते हैं। इसका सबसे ईजी तरीका होता है कि ड्राई फ्रूट मिल्क होता है, अगर आप वो ले रहे हो सुबह शाम या दिन में एक बार भी लेते हो तो वो काफ़ी हेल्प करता है। आप चाहेंगे तो हम इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम इस ड्राई फ्रूट मिल्क की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये बहुत हेल्पफुल होता है गाइज, मेरे केस में काफ़ी हेल्प की थी इसने मुझे। उसके बाद ड्राई फ्रूट से आप सठोरा बना सकते हैं, जिसको पंजीरी कहते हैं पंजाब में, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में एनर्जी भी लाता है और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को भी काफ़ी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट गाइस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अक्सर कहीं नहीं बताया जाता है, मेरे लिए बहुत हेल्प किया था, ये है फॉक्स नट्स यानी मखाना, उसे लोटस सीड्स भी कहते हैं। इसको आप रोस्ट करके या किसी भी फॉर्म में आपको ये लेना ही लेना है, अगर आपको अपनी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इंक्रीज करना है। जब तक भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो आप मखाना लेते रहिए, मखाना बहुत रिच और हेल्दी होता है। मेरा बेबी अबाउट 2 ईयर्स का हो गया है और अभी तक भी वो ब्रेस्ट फीडिंग लेता है और प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग लेता है और मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आप मखाना बहुत हेल्प किया था मुझे। नेक्स्ट है गाइस कि आपको ढेर सारे फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स लेनी है, ये भी काफ़ी हेल्प करेगा आपकी लैक्टेशन को इंक्रीज करने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आपको लेना है वो है कि बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते रहना है। बेबी के लिप्स और आपके निप्पल्स का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, उन दोनों को साथ में आना बहुत ज़रूरी है अगर आपको लैक्टेशन इंक्रीज करनी है तब। सो गाइज, ये कुछ टिप्स थे मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू और कुछ स्टडी की हमने उसके थ्रू। आई एम श्योर आपको इससे हेल्प मिलेगी। प्लीज़ इसको अपने लाइफस्टाइल में लेकर के आइएगा, या कोई भी जो न्यू मॉम्स हो उनके साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको इससे कुछ भी हेल्प मिल सके। हमारा मेन एम यही है कि हम आप सबकी ढेर सारी हेल्प कर सकें। गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो झटपट से लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ले आते रहते हैं, अच्छे अच्छे रेसिपीज़ लाते रहते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी।